बिहार में जो धांधली होते रहता है उसके लिए रोक, इस पे रोक लगना चाहिए। इसके लिए सब सर समक्ष में है, सब सर छुट्टी दिए हैं। नहीं, छुट्टी इसलिए दिए हैं कि मतलब कि वहाँ जाना है प्रोटेस्ट में, सबको हिस्सा लेने के लिए छुट्टी दिए हैं। ये पेपर लीक नहीं हुआ, सारा पेपर लीक होता है, क्वेश्चन बिकता है, सीट बिकता है। अभी मद निषेध का अभी से चालू हो गया, सीट बिक रहा है, बिक रहा है। तो चाहते हैं कि पूरा कैंसिल हो। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम पेपर लीक हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में नहीं हुआ होगा। और पूरी तरह से धांधली है, बिहार का जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है सब में धांधली होते ही जा रहा है। और आज ही मतलब इसको शाम तक हम लोग सरकार से मांग करेंगे, शाम तक इसको कैंसिल कर दिया जाए, फाइनल आज ही हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। BSSC आंदोलन, आपने देखा है कि किस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए और सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं सभी का रद्द करने के लिए, एग्ज़ाम रद्द करने के लिए मांग किया जा रहा है। हालांकि रद्द नहीं हुआ है, उसके कारण से 4 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ और पटना कॉलेज से यह आंदोलन चल पड़ी है। मैं इस वक्त खान सर के कोचिंग के पास मौजूद हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि क्या अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है वो ये आंदोलन में साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उस बार दिलीप ने यह आगाज़ किया था कि अगर इस बार कोई भी शिक्षक हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि शिक्षक हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। कम से कम अगर ठीक है, आप आंदोलन में, वो आंदोलन में आने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था, दिलीप का कहना था कि उस वक्त कम से कम आप कोचिंग बंद कर दीजिएगा। और कुछ ही देर में यहाँ पर दिलीप पहुँचेगा, उससे पहले मैं जो यहाँ पर स्टूडेंट है, हर कोचिंग के स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बाहर अभी उनका छुट्टी हुई है और वो निकल रहे हैं। मैं इन्हीं लोगों से बात करना चाहूँगी कि क्या आप लोगों के टीचर ने सपोर्ट किया है, क्या आप लोग भी आंदोलन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा बात करूँगी। किस कोचिंग से हैं आप? हम प्रदीप सर की कोचिंग से, कौटिल्या परिवार। कौटिल्या परिवार ने छुट्टी दे दी, छुट्टी दे दिया है। किस लिए? SSC के जो विद्रोह हो रहा है, BSSC के जो परीक्षा में धांधली होता है उसके लिए रोक के लिए, जो बिहार में जो धांधली होते रहता है उसके लिए रोक, इस पे रोक लगना चाहिए। इसके लिए सब सर समक्ष में है, सब सर छुट्टी दिए हैं। ट्विटर अभियान में सभी सर ने सपोर्ट किया था? हाँ, सब सर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग आंदोलन में पहुंच रहे हैं? आंदोलन में पहुंच रहे हैं। यहाँ से कितने लोग कम से कम आप लोग मतलब जुड़ेंगे, सारे कोचिंग में कितने होंगे? हम लोग के तो 2 से 2.5 हजार आदमी है। 2.5 हजार एक ही कोचिंग में है? नहीं, हाँ, इस कोचिंग का हम लोग का बैच टूटता है, 1200 एक बैच में है। आप लोग BSSC का एग्जाम दिए थे? हाँ जी, दिए थे एग्जाम। आप लोग भी जा रहे हैं आंदोलन में? हाँ, जाएंगे, जरूर जाएंगे। अभी तो आंदोलन लगता है, यहाँ पहुँचने वाली है? अभी पहुँचने वाली है, लेकिन छुट्टी थोड़ा पहले हो गया है, इसलिए अब जाएंगे। मतलब सर लोग छुट्टी कर दिए? नहीं, छुट्टी इसलिए दिए हैं कि मतलब कि वहाँ जाना है प्रोटेस्ट में, सबको हिस्सा लेने के लिए छुट्टी दिए हैं। अच्छा, छुट्टी दे दिए जी। कोचिंग बंद हो जाएगी? कोचिंग बंद होगी इसलिए, सिर्फ बंद हुई है कि वहाँ जाना है प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है, बस इसीलिए बंद हुआ। टीचर ने सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट किया। क्या? हाँ, आज दरोगा का हम लोगों का टेस्ट था, वो भी सर बंद कर दिए हैं वहाँ जाने के लिए। बस जो क्लास था हमारा, 2 क्लास बायोलॉजी का, इकोनॉमी का चला, अभी दरोगा का टेस्ट होता। वो हाँ सब सपोर्ट किए थे। ये जो खान सर का यहाँ कोचिंग है, वो लोग क्या सपोर्ट किए हैं, उनके स्टूडेंट? हाँ, ऑल जो भी है, ज्ञान बिंदु है, खान सर का है, कौटिल्या है, जो भी है यहाँ पे GS का मेन रूप से 3 क्लास है। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी पहुँच रहे हैं आंदोलन? हाँ, आंदोलन में पहुँच रहे हैं। कौन से कोचिंग में पढ़ते हैं? हम तो प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पे टेस्ट सीरीज मार रहे हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म में कर रहे थे, नवीन सर के क्लास में। हाँ, आप लोग को भी छुट्टी कर दिया गया है? हम वहाँ से पास आउट हो चुके हैं लगभग 2 साल पहले, अब सिर्फ टेस्ट सीरीज देते हैं। अभी मतलब आंदोलन में आप लोग भी? हाँ, आंदोलन ले रहे हैं। मतलब आंदोलन यहाँ पे आएगी, यहाँ से आगे? हाँ, यहाँ भी आएगी। दिलीप सर बोले हैं यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद हम लोग सब साथ जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं भाई? एकदम सिकरी एकदम पढ़ाई करते हो? हाँ, करते हैं। IT इतना मोटा सोना की सिकरी बने हुए? नहीं, ये खरीदे हैं 12,000 का। 12,000 के? अच्छा, अब BSSC के पेपर लीक हो गया? ये पेपर लीक नहीं हुआ, सारा पेपर लीक होता है, क्वेश्चन बिकता है, सीट बिकता है। अभी मद निषेध का अभी से चालू हो गया, सीट बिक रहा है, बिक रहा है। ये कोई भी एग्जाम है, BPSC आप देखे ही है, दरोगा देखे ही है, हर एग्जाम बिक रहा है, क्वेश्चन बिक रहा है, पेपर लीक हो रहा है। और ये जब तक आंसर शीट नहीं देगा, क्वेश्चन नहीं देगा, CM को BSSC के अभ्यर्थी हैं आप? यस। कौन से कोचिंग में पढ़ते हैं आप? कोचिंग में यही खान सर के पास। खान सर के कोचिंग में? हाँ। एक चीज बताइए, अभी आप लोगों को छुट्टी मिल गई? हाँ, छुट्टी हो गई। किस लिए छुट्टी मिली? छुट्टी ठंडी को लेकर।
ठंडी की वजह से अभी क्लास करके निकले हैं? नहीं नहीं अभी क्लास नहीं की है अभी क्लास बाकी है। हाँ अच्छा आप लोग भी प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए। हाँ प्रोटेस्ट में तो पहुँच मैं हम लोगों के शिफ्ट का कैंसिल हो गया तब भी और भाई लोगों को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे। अच्छा, और भाई लोगों को सपोर्ट करने के लिए निकलेंगे। इधर आइए आप भी प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। आप भी एग्जाम दिए थे? हाँ। और कैंसिल नहीं हुआ? नहीं हम तो चाहते हैं कि पूरा कैंसिल हो। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेकंड में नहीं होगा थर्ड में नहीं हुआ होगा। और पूरी तरह से धांधली है बिहार का जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है सब में धांधली होते ही जा रहा है और इसमें भी निश्चित रूप से धांधली हुआ है। और हमारी वही मांग है इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके री एग्ज़ाम लिया जाए और छात्रों के हित में सारा काम किया जाए। आप लोग कितने मतलब अभ्यर्थी पहुँचने वाले हैं? देखिए कितने लोग अभी 10,000 तो यहीं से अभी। हाँ एकदम एकदम। और आज ही मतलब इसको शाम तक हम लोग सरकार से मांग करेंगे शाम तक इसको कैंसिल कर दिया जाए फाइनल आज ही हो जाना चाहिए। आर पार की लड़ाई आज वही है पूरे आर पार की लड़ाई है या तो आयोग जीते या फिर छात्र जीते। ठंडी बहुत है वाटर कैनन का भी यूज किया जाएगा। कुछ भी हो वो कपड़ा लेके कुछ भी हो आज हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ठंड तो है ही पर छात्रों का जो जोश है उसके सामने ये ठंड कुछ भी नहीं है। ठंड तो है लेकिन छात्रों के जोश के सामने कुछ भी नहीं है, है ना? बिल्कुल मैडम बिल्कुल। ये तो है पिछली बार भी एग्ज़ाम हम लोग गए थे देने के लिए तो बहुत परेशानी हुई थी रात को। एक तो पूरा स्टेशन पर रुकना पड़ा इसके बाद एग्ज़ाम दिए तब पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बहुत दुख की बात है। हम लोग अभी वैसे ही टेस्ट के लिए दोबारा सर से मिलने आए थे कि सर टेस्ट में क्या क्या नया नया पैटर्न है जो लीक हुआ था उसी हिसाब से थोड़ा पूछने आए थे सर से कि एग्ज़ाम कैसे होगा वगैरह वगैरह। सर यही बताएं मैडम अररिया गए थे यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए। अररिया दे के आए हैं सुबह आते हैं यहाँ पता चलता है क्वेश्चन आउट हो चुका है समझिए। ठंड में इतना दूर एक बस का टिकट नहीं मिलता। जूता खुलवा के एग्जाम दे रहा है और खाली पैर दिए हैं क्वेश्चन जिसमें आए ना वो पन्नी पैर के नीचे रख के एग्ज़ाम दिए हैं इतना ठंड लग रहा था कि। और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है उसके बाद समझिए बस में टिकट नहीं मिल रही थी बस में टिकट वो बस के लिए एक दिन इंक्वायरी करने के वहाँ की। हाँ रोज बहुत भरा हुआ। हाँ और एग्ज़ाम में देख रही मैडम वो परसेंटेज है ना बच्चा एकदम पूरा लगभग सब बच्चा एग्जाम देने गया ऐसा नहीं कि एबसेंट है बाकी एग्जाम में एबसेंट हो जाता है लेकिन इसमें। हाँ बिल्कुल 3-3 लाख अगर पहुँच जाए यहाँ तो क्या होगा? अरे नहीं पटना पट जाएगा 9 लाख में इतना तो नहीं। ठंडा भी है थोड़ा सा लेकिन हाँ हम लोगों का है सर का भी सपोर्ट है सब लोगों का सपोर्ट है कि अच्छा जाएगा एग्जाम भी अच्छा जाएगा आगे आने के बाद। यहाँ इतना सारा कोचिंग है थोड़ा सा ये दिखाइएगा पीछे थोड़ा धीरे धीरे देखिए देख ही सकते हैं कि इधर प्रदीप सर का कौटिल्य का है इधर खान सर का कोचिंग है और बहुत सारे यहाँ पे हब है यानी कि कोचिंग बहुत सारे यहाँ पर है और सभी के स्टूडेंट सभी ने छुट्टी दे दी है और स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी बीएसएससी वाले हैं वो सभी लोग अब यहाँ पर दिल्ली पहुँचने वाले हैं और यहाँ से ये लोग प्रोटेस्ट में धीरे धीरे भाग लेते जाएंगे और फिर ये लोग वहाँ प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे। चलिए हम जैसे ही दिलीप यहाँ पर पहुँचता है और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। चलिए कुछ टीचर्स जो हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।